अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। एलिजाबेथ अब्रामिडो ग्रैनलुंड, जिन्हें पेशेवर तौर पर एली अब्राम के नाम से जाने जाते हैं, एक स्वीडिश ग्रीक अभिनेत्री है और अभी मुंबई भारत में रहते हैं। वह अपनी बॉलीवुड फिल्म किस किसको प्यार करूं के लिए जाने जाते हैं। अब्राम भारत रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भाग लेने के बाद प्रमुख में आए। मैं बात करूं हार्दिक पांड्या के गर्लफ्रेंड के बारे में, पर क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। एली अब्राम का जन्म 29 जुलाई 1980 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। वो स्टॉकहोम स्वीडन में बड़े हुए। उनके ग्रीक पिता जानिस अब्राम एक म्यूजिशियन है जो अब स्वीडन में बस गए हैं, और उनके माता स्वीडन से है जिनका नाम मारिया ग्रैनलुंड है, जो स्वीडिश की प्रसिद्ध अभिनेत्री है और उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म फनी और अलेक्जेंडर में अभिनय किया है। अब्राम ने स्टॉकहोम के फ्रांस कोटा हाई स्कूल में भाग लिए जहाँ उन्होंने सोसाइटी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने शुरुआती वर्षों से फिगर स्केटिंग, गायन और नृत्य में रुचि ली। उन्होंने अपनी माँ और चाची से अभिनय का ट्रेनिंग प्राप्त किया जो स्वीडन के स्कैन काउंटी में एक थिएटर चलाते हैं। अब्राम को बचपन से ही भारत से कनेक्शन का महसूस हुआ। स्टॉकहोम अखबार मीटाई के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहे, जब मैं 5 साल की थी तब भी मैं भारतीय नृत्य और रंगीन कपड़ों से रोमांचित थी। उनके पिता एक ग्रीक म्यूजिशियन है, इसलिए उन्हें ग्रीक गाने भारतीय धुनों से कुछ संबंधित मिला। अब्राम जब छोटे थे तब से ही बॉलीवुड अभिनेत्री बनने का सपना देख रहे थे। स्टॉकहोम में एक जगह थी जो हिंदी फिल्म में बेचता था और वहाँ से बॉलीवुड फिल्में खरीदते थे, साथ ही वो यूट्यूब पर हिंदी फिल्में भी देखा करते थे। 17 साल की उम्र में अब्राम स्टॉकहोम स्थित परदेशी डांस ग्रुप के सदस्य बन गए और मुख्य रूप से बॉलीवुड गीतों पर डांस परफॉर्मेंस दिए। अब्राम ने स्वीडन में कुछ अभिनय प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे 2008 की अपना ड्रामा रोमांस फिल्म फॉरबिडन फ्रूट। 2010 में अब्राम ने मिस ग्रीस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया। सितंबर 2012 में अब्राम बॉलीवुड में अभिनय करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। हिंदी फिल्मों में अभिनय के निर्णय के बारे में उन्होंने एन मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में कहे, जब मैं 14 साल की थी मेरे कमरे में एक टीवी था और देवदास को लगभग 4 घंटे देखा। मैंने पूरे समय बाहर कदम नहीं रखा। मैंने सोचा ओ मैं नृत्य करना चाहता हूँ और उसी तरह गाना गाना चाहता हूँ, मुझे बॉलीवुड फिल्में करनी है। उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ साइन अप किए और जल्द ही उन्हें काम मिल गए। एजेंसी ने उन्हें ऑडिशन लेने में मदद की। पहले काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में वो लीडिंग भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एबिलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए एक टीवी विज्ञापन में थे। अब्राम ने रिचेज सिल्वर ज्वेलरी के लिए एक टीवी विज्ञापन में भी दिखाई दिए। अंततः उन्हें फिल्म मिक्की वायरस में मुख्य भूमिका हासिल करके पहला बड़ा सफलता मिला। अब्राम ने याद करते हुए कहे, जिस फोटोग्राफर ने मेरी तस्वीर ली वो एक डायरेक्टर को जानता था जो एक मुख्य भूमिका के लिए लड़की की तलाश कर रहा था। मैंने उसे फ़ोन किया और अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन देने आया था। बॉलीवुड फिल्म में भूमिका निभाना उनके लिए विशेष रूप से मुश्किल था क्योंकि वो कोई हिंदी नहीं बोलते थे। उन्होंने खुलासा किया और बोले, इससे पहले कि मैं मिकी वायरस के लिए ऑडिशन देता मैंने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट भेजने के लिए कहा ताकि मैं शब्दों को याद रख सकूं क्योंकि मुझे अभी तक हिंदी नहीं आती थी। मुझे डायलॉग के 4 पेजेस भेजे गए थे और कोई भी नहीं था जो मुझे उस शब्दों का उच्चारण बता सके। ऑडिशन में उन्हें मेरा अभिनय पसंद आया लेकिन उच्चारण सही नहीं था। उन्हें 200 अन्य कॉन्टेस्टेंट्स के साथ शॉर्ट लिस्ट किया गया और दूसरों को हराने में कामयाब रहे। अपने बॉलीवुड लॉन्च के लिए अब्राम ने डांस फॉर्म और हिंदी उच्चारण का औपचारिक ट्रेनिंग लिया। 2013 में अब्राम ने एक भारतीय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 7 में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिए। अब्राम ने फिल्म फ्रॉड सया के लिए छम्मा छम्मा गाने पर एक नृत्य अभिनय किया। मार्च 2019 में वो सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी एक संगीत वीडियो आए हुए में दिखाई दिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।